फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित द्वारा लोकसभा चुनाव को सफल और निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से फिरोजाबाद थाना उत्तर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। मौके से दो अभियुक्तों शोभित कुमार और चंद्रकांत उर्फ बिल्ला को किया गिरफ्तार। लोकसभा में असलाह को खपाने की थी योजना। शातिर अभियुक्त पूर्व में भी अवैध असलाहों के संबंध में जा चुके हैं जेल। पूछताछ में बताया कि चुनाव का समय आ गया है, देसी कट्टों की मांग बढ़ जाती है। देखिए, आज नगर क्षेत्र में दो थानों द्वारा शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। उत्तर थाने द्वारा दो अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम चंद्रकांत एवं शोभित है। उनके पास से 16 अवैध तमंचे एवं शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। 16 जो अवैध तमंचे, उनमें से 8 जो है 315 बोर के, 8 12 बोर के तमंचे हैं। इसके अतिरिक्त रसूलपुर पुलिस द्वारा भी शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। उनके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सलमान उर्फ बिल्लू है। वो मोढ़ा के जंगल से उन्होंने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 अवैध तमंचे एवं शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। दोनों थानों के प्रभारीगण और उनकी टीम द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 सन्निकट है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीमें लगातार सक्रिय थीं और उनके द्वारा, इन दोनों थानों द्वारा ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ, दोनों पिता पुत्र हैं। क्या इनका उपयोग चुनाव में किया जाने की संभावना थी? देखिए, चुनाव के दौरान जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा इस तरह की डिमांड की जाती है, उसको दिक्कत रखते हुए ये लोग महंगे दामों पर बनाकर उसको बेचते हैं।